हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टेक्नो स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने नए चैप्टर जिसको हम लोग कल पढ़े थे आधा, आज उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। इसमें आज हम लोग का टॉपिक रहेगा सेमीकंडक्टर, जो हम लोग का मेन है। थोड़ा देख लेते हैं आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो पूरा मैंने आज फ्लो ऑफ लेक्चर बनाया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो अपने लेक्चर के फ्लो को देखते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसको इसमें कंडक्शन एनर्जी बैंड का कैसे इसमें होता है, सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, किसमें किस किस टाइप के सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे पहला है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा है इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तीसरा हमारा है एलिमेंटल एंड कंपाउंड। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग का पढ़ देंगे एनर्जी बैंड क्या होता है। फिर फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज इतना हम लोग को पढ़ना है, तो चलिए शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर से कम होते हैं और इंसुलेटर से अधिक होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होता है या फिर इंसुलेटर से अधिक होता है, तो इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर को हम लोग यहाँ पर तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा है पहला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा हम लोग का हो जाता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तीसरा हो जाता है एलिमेंटल और कंपाउंड। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर पढ़ेंगे एलिमेंटल कंपाउंड, फिर लास्ट में पढ़ेंगे इंस्ट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। हम लोग सेमीकंडक्टर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ते तो हम लोग कंडक्टर पढ़ते, सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ते। इलेक्ट्रॉनिक्स ही ऐसा जगह है जहाँ पर सिर्फ तीनों जैसे कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों का भी पढ़ाया जाता है, डिफरेंस बताया जाता है। इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हल्की सी जानकारी दी जाती है और पूरा मेन उसका कंडक्टर बेस होता है। तो देखते हैं हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या चीज़ होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है, उसको हम लोग अभी रोज़ बात हो रही है एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम पहले समझ लेते हैं होता क्या है, फिर यहाँ पे हम आएंगे तो ये हमें थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। तो चलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम क्या। ये है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसमें हम लोग देखेंगे तो जो हम लोग का वाई एक्सिस होता है वो एनर्जी के लिए ले गया है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और जो हम लोग का एक्स एक्सिस होता है जो बेस होता है उसको हम लोग मोमेंटम लिए हैं, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग नीचे तरफ जो बना हुआ है वो है वैलेंस बॉन्ड और वैलेंस बैंड, और ऊपर जो होता है हमारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के जरिए हम लोग का करंट फ्लो होता है, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जरिए से हमारा करंट का फ्लो नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में दोनों बैंड के बीच में हल्का सा गैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप या फिर फॉरबिडन गैप के भी नाम से ये जाना जाता है। अब बात करते हैं, एक होता है जो वैलेंस बैंड के हम लोग का एनर्जी होता है वो उसको हम लोग दिखाते हैं EV या फिर वैलेंस बैंड एनर्जी। EV जो होता है वह हमारा हाईएस्ट एनर्जी होता है वैलेंस बैंड का, जो EV लेवल होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है, और जो हमारा EC है वो लोवेस्ट है कंडक्शन बैंड का, लोवेस्ट एनर्जी है। ये हो गया हमारा एनर्जी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, कल भी हम लोग बात कर चुके हैं कंडक्टर का कैसे होता है, सेमीकंडक्टर का कैसे होता है और इंसुलेटर्स का कैसे होता है। कंडक्टर में बात करते हैं तो हम लोग का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए होते हैं। यहाँ हम लोग का EC जो होता है वो वैलेंस बैंड में होता है और EV जो होता है वो हम लोग का कंडक्शन बैंड में होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बॉन्ड से
कंडक्शन बैंड में चले जा सकते हैं, जिससे हमारा करंट फ्लो बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये हो गया कंडक्टर्स का। अब आते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो हम लोग का गैप होता है एनर्जी गैप, उसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ज़्यादा हम लोग को इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लगाना होता है। तो उसमें हम इतना एनर्जी लगा देते हैं तो हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है और उसमें हम लोग आसानी से करंट फ्लो करा सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में जो गैप होता है वो बड़ा होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो बड़ा होता है। इसमें हमको एनर्जी जो लगानी होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक लगानी होती है। लगभग ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना पे। अब हम एक पॉइंट हमारा नोटिस किया हुआ है यहाँ पे, 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। मतलब कि जो अगर हम इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम होंगे, जब तक ये इसका टेम्परेचर हम नहीं बढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम टेम्परेचर कर देते हैं रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में हो जाता है 300 डिग्री केल्विन। 300 डिग्री केल्विन पे हमारा ये टेम्परेचर एक लगभग कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। तो हम लोग समझ गए हैं अब एनर्जी बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड कहाँ होता है, वैलेंस बैंड कहाँ होता है। तो अब हम आसानी से अपना जो वो है, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर टाइप हैं, उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं अब वहाँ पे क्या होता है उसको देखते हैं। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसका जब हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा फिगर बनता है। अगर हम लोग फिगर देखें तो ध्यान से देखेंगे, कंडक्शन बैंड ऊपर होते हैं और वैलेंस बैंड नीचे होते हैं। अब मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में है, एनर्जी देते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो उसमें मान लेते हैं कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ ऊपर होंगे, जिनकी एनर्जी हाई होगी वो ऊपर होगा, जिनकी एनर्जी लो होगी वो ईसी के पास में होंगे। ठीक है, जो ईसी के पास में होगा, अगर हम लोग पहला वाला फिगर देखें लेफ्ट साइड में बीच में जो है, जो ईसी के पास में होगा वो डायरेक्टली चला जाएगा। अगर उसका एनर्जी कम होगा तो डायरेक्टली चला जाएगा वैलेंस बैंड में, वो कहीं और ट्रेवल नहीं करेगा, सीधे बैंड गैप को अपने वो कूद के वैलेंस बैंड में चला जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेमीकंडक्टर। और हम लोग उसके नीचे वाला देखें इनडायरेक्ट में, तो क्या होता है, जो हम लोग का हाईली चार्ज, जिसकी एनर्जी हाई होती है जिस इलेक्ट्रॉन की, वो पहले क्या होगा, लो एनर्जी में आएगा, मतलब इसी के बराबर में होगा, उसकी एनर्जी इसी के बराबर होगी, फिर जाके वो अपने ईवी में ईवी के बराबर होगा। कहने का मतलब, पहले जो भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो एकदम फुली चार्ज है या फिर फुली एनर्जी है, जिसका हाईएस्ट एनर्जी वाला है, वो ऊपर होगा, ऊपर के बाद वो नीचे आएगा ईसी के पास, फिर ईसी से वो आएगा ईवी में, मतलब वैलेंस बैंड में। मतलब ये हो गया इनडायरेक्टली, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर। ये हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट एंड कंपाउंड की। एलिमेंट और कंपाउंड बड़ा सा सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट एक जो भी पीरियोडिक टेबल में जो भी हम लोग सेमीकंडक्टर लेते हैं वो सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक तत्व हो। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये हो गया, एक सिर्फ प्योर प्योर अगर हम लोग लेते हैं सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, तो ये हो जाता है एलिमेंट सेमीकंडक्टर। इसमें कोई भी डोपिंग या फिर बाहरी मिश्रण नहीं किया जा सकता या फिर कोई भी और तत्व नहीं मिलाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग कंपाउंड में, तो कंपाउंड वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट का मिश्रण होता है, उसे बोलते हैं कंपाउंड। अगर हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मान लेते हैं जर्मेनियम ले लेते हैं या फिर सिलिकॉन ले लेते हैं और दूसरा कोई ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट एलिमेंट लेते हैं, उनका मिश्रण करते हैं, तब जाके एक हम लोग का सेमीकंडक्टर जो बनता है उसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दे सकते हैं जर्मेनियम आर्सेनाइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, जो हम लोग का मेन टॉपिक है, हम लोगों को सारा चीज़ यहीं से पढ़ना है। तो इंट्रिंसिक क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें प्योर एकदम
100% सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम या फिर कोई भी और एलिमेंट वो एक ही तत्व से बने, उसमें कोई और भी मिश्रण न किया जाए। जैसे एलिमेंटल होता है सेम वैसे ही इंस्ट्रिक में भी होता है, इंस्ट्रिंसिक में भी होता है। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ सिलिकॉन का बनाया हूँ। सिलिकॉन का जो हम लोग का स्ट्रक्चर होता है लैटिस स्ट्रक्चर होता है, मतलब हल्के हीरे जैसा ये दिखता है। तो यह सब का बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया हूँ। सिलिकॉन में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसके बाहरी कक्षा में हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन से अपना साझा कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर बनाते हैं स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सबसे अपना बैलेंस बॉन्ड, अपना कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट करके अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। सेकेंड पॉइंट हम लोग का आता है जो भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन का करंट होगा, जितना हम लोग का इलेक्ट्रॉन के जरिए करंट मतलब जनरेट होगा उतना ही हम लोग का होल्स के जरिए भी करंट जनरेट होगा। मतलब जो हम लोग का टोटली करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का करंट प्लस होल्स के करंट के इक्वल होगा, मतलब I इक्वल टू आई प्लस आई एच। अब थर्ड पॉइंट हम लोग का है, एट 0 डिग्री केल्विन एच इंसुलेटर। 0 डिग्री केल्विन पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की भांति काम करता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ही इसमें करंट का फ्लो होना शुरू होगा। एट रूम टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं, रूम टेम्परेचर में जर्मेनियम में जो हम लोग को एनर्जी लगानी होती है वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक करंट को दूसरे वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में ले जाने के लिए जर्मेनियम में। और सिलिकॉन अगर है, सिलिकॉन एलिमेंट है, तो उसमें हम लोग को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगाना होता है। और 0 डिग्री केल्विन की बात करते हैं तो जर्मेनियम का होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी चीज़ें इंस्ट्रिंसिक की होती हैं, हम लोगों को ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग का आता है एन इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई, बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू सांद्रता, करंट की सांद्रता। ये हो गया इंस्ट्रिंसिक। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक क्या होती है, एक्सट्रिंसिक में हम लोग आते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, ये कंपाउंड जैसा होता है, इसमें हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट की कोई चीज़ इसमें मिलाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें एक वर्ड मिलता है जिसको बोलते हैं डोपिंग। अच्छा, डोपिंग किसे कहते हैं? डोपिंग उसे बोलते हैं जब किसी सेमीकंडक्टर में या फिर इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब कोई एक अशुद्धि मिलाई जाती है कम कुछ मात्रा में, तो उसको बोलते हैं हम लोग डोपिंग। डोपिंग करने से हमारी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़े आसानी से हम एनर्जी को कम ऊर्जा लगा के कंडक्शन कर सकते हैं एक किसी सेमीकंडक्टर में, तो वो चीज़ होती है डोपिंग। अब जिस चीज़ को मिलाया जाता है, जैसे हम सिलिकॉन में कार्बन मिलाते हैं, सॉरी सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाते हैं, तो वो हो जाता है, फास्फोरस को बोल देते हैं डोपेंट्स। और जो हम लोग का पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा सिलिकॉन फास्फोरस का जो मिलके कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया। अब यहाँ पहली पॉइंट जो आती है उसे बोल जो उसे कहते हैं, इसमें ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट के ही एलिमेंट को मिलाया जा सकता है, जैसे जो फिर तीसरे वर्ग में हो
या फिर पाँचवें वर्ग में हो उन्हीं को ही मिलाएंगे, छठवें वर्ग को नहीं मिला सकते या फिर चौथे वर्ग के एलिमेंट को नहीं मिला सकते, क्योंकि जब हम लोग का जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बाएं से दाएं जाने पे भी चेंज होती है और ऊपर से नीचे आने पे भी चेंज होती है आवर्त सारणी में। जब प्रॉपर्टीज़ हमारी चेंज होती है तो इन दोनों में जब दो इलेक्ट्रॉन का गैप हो जाता है या फिर कम होती है या फिर अधिक होती है तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उन लोगों का बिगड़ जाता है, इसलिए इनको यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आर्सेनाइट का डोपिंग किया है दाहिने साइड ऊपर में, जो हम लोग इमेज बनाए हैं पिक्चर बनाया है उसमें देखेंगे तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर है उसमें आर्सेनाइट का डोपिंग किया गया है सिलिकॉन में। तो सिलिकॉन आर्सेनाइट के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम पेंटावेलेंट एलिमेंट भी बोलते हैं। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे सिलिकॉन से, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा वो फ्री होगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ही कम एनर्जी लगाने पर ये कंडक्शन शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें से पहले से ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं इसमें टॉप एकदम पॉइंट वाली बात क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल बराबर नहीं हो सकते। इसमें ये रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक से अधिक कंडक्टिविटी वाला सेमीकंडक्टर होता है, इसकी कंडक्शन क्षमता इंट्रिंसिक से अधिक होती है। अब जब इसमें हम लोग ट्राईवेलेंट मिलाते हैं तो क्या होता है और पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट जब मिलाते हैं इसमें डोपिंग करते हैं तो हमें दो टाइप के अपने सेमीकंडक्टर मिलते हैं, जिसको हम लोग एक पहला बोलते हैं एन टाइप का और जिसको दूसरा बोलते हैं उसको नाम देते हैं पी टाइप का। तो हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इसमें किस प्रकार की डोपिंग होती है वो देखेंगे और पेंटावेलेंट की डोपिंग पी टाइप में देखते हैं कि किस प्रकार की डोपिंग की जाती है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर उन्हें कहा जाता है जिसमें पेंटावेलेंट की डोपिंग की जाती है। जैसे पेंटावेलेंट में हम लोग कहता है आर्सेनाइड, फास्फोरस और एंटीमनी जैसे एलिमेंट्स में आते हैं। अब हम लोग अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर में देखते हैं तो सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग करी गई है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां हम लोग बीचों बीच में फास्फोरस रखा हुआ है वहीं बात करते हैं। इसके 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से तो अपना कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री हमारा घूमता रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग का कंडक्शन बड़े आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें टॉपिक क्या होता है। इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ होल्स बराबर नहीं होते हैं, ये एक्सट्रिंसिक की खूबी है। हम एन टाइप में अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर ऑफ़ होल से अधिक होते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही हमारा एक इलेक्ट्रॉन मिला है जो एक्स्ट्रा है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पहले ही अधिक है, एक ही अधिक है लेकिन अधिक है और नंबर ऑफ़ होल्स कम है। दूसरा पॉइंट ये आता है हम लोग का, जो भी जर्मेनियम अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें जो एनर्जी हमको लगानी होती है लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन लेते हैं तो इसमें हम लोग को लगाना पड़ता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हमारा अगर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक से बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी हम लोग को लगानी पड़ती है। सेकंड पॉइंट हम लोग देख ही लिखे हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ होल्स बराबर नहीं होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होल्स से कम अधिक होते हैं मतलब Ne इज ग्रेटर देन NH। अब हम लोग बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होता है, उसमें कैसे डोपिंग करी जाती है। इनमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट एलिमेंट्स का डोपिंग किया जाता है। ट्राईवेलेंट में वो आते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हों, जैसे एल्युमिनियम, बोरान और भी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग एल्युमिनियम का डोपिंग करते हैं जर्मेनियम में, जो हम फिगर में बना रखे हैं। फिगर में देखते हैं तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 3 इलेक्ट्रॉन वो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगी और उसके पास एक होल रह जाएगा, क्योंकि वो साझा करेगी तो करेगी और वहाँ पे एक
होल हो जाएगा, होल जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से भी हम लोग का इसमें कंडक्शन होता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे होल्स की वजह से हो रहा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब हम लोग यहाँ टॉपिक अगर देखें तो हम लोग का जो नोटिस करने वाली बात है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है। जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या से कम होती है। और इन्हें हम लोग कहा जाता है एक्सेप्टर, क्योंकि इनके पास एक कमी है, होल है, जगह खाली है, तो ये एक्सेप्टर टाइप के होते हैं। और जो हम लोग का एन टाइप का होता है वो डोनर टाइप के होते हैं, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो वो आसानी से किसी को दे सकता है। और एक ख़ास बात आती है पी टाइप में, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एन टाइप वाले निगेटिवली चार्ज होते हैं। ये हो गया हम लोग का पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब दोनों के हम लोग थोड़ा सा एनर्जी बैंड देख लेते हैं। एनर्जी बैंड देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारा बना एन टाइप और राइट साइड में बना है पी टाइप। देखेंगे तो हम लोग का जो एनर्जी है उसको हम लोग एनर्जी लेवल के अगर हम लोग देखें तो हम लोग ईडी एक आ जाता है, जो ईडी हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी। डोनर एनर्जी इसकी वैल्यू होती है 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होती है, जो मैंने पीछे बताया है। और एक्सेप्टर अगर हम लोग पी टाइप में देखें, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल उसकी वैल्यू होती है 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। एनर्जी गैप सबको पता ही है और कंडक्शन बैंड भी सबको पता है, वैलेंस बैंड भी सबको पता है। और ये सारी क्रियाएँ रूम टेम्परेचर पर होती है या फिर 0 डिग्री केल्विन से ऊपर होती है। 0 डिग्री केल्विन पे सभी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, ये एक नोटिस करने वाली बात है। ये हो गया हम लोग का सेमीकंडक्टर, सब कुछ हो गया है। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। पहले पढ़ा हम लोग सेमीकंडक्टर क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ा है। फिर दूसरी बात हम लोग पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पढ़ लिए हैं। और हम लोग पढ़े हैं एलिमेंट और कंपाउंड, तीन चीज़ें ये हो गई। अब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ रहे थे तो हम लोग एनर्जी बैंड भी पढ़े हैं, एनर्जी बैंड कैसे होता है, कंडक्शन बैंड, उसमें सारा कुछ पढ़े हैं। फिर उसके बाद हम लोग का आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है। फिर हम लोग पढ़े थे अपना एलिमेंटल और कंपाउंड, एलिमेंट्स कैसे होता है, कंपाउंड वाला सेमीकंडक्टर कैसे होता है। फिर हम लोग पढ़े थे इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक में हम लोग पढ़े थे सिलिकॉन के एक प्योर स्ट्रक्चर में हम लोग किए थे, उसमें एनर्जी टेम्परेचर पे होता था, ये टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती थी। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ होल्स इक्वल होते हैं और 0 डिग्री पे ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। फिर हम लोग पढ़े थे एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक में होता है इसमें कोई भी डोपिंग करी जाती है, कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, और इसमें ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ होल्स इक्वल नहीं होते हैं। इनमें हम लोग को मिलता है एक एन टाइप और एक एन टाइप मिलता है और एक पी टाइप मिलता है। अलग अलग डोपिंग करने पे, जैसे हम लोग टेट्रावेलेंट अगर डोपिंग करते हैं तो हम लोग को पी टाइप मिलता है, अगर पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं तो एन टाइप हमें सेमीकंडक्टर मिलता है। अब हम लोग एन टाइप पी टाइप की बात करते हैं। तो पी टाइप में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं होल्स से कम होते हैं और एन टाइप में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होल्स की संख्या में अधिक होते हैं। एन टाइप होता है हमारा डोनर टाइप होता है और पी टाइप होता है हमारा एक्सेप्टर टाइप होता है। एन टाइप में हम लोग का होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और पी टाइप हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की लेने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको और कोई भी समस्या हो रही है किसी भी चीज़ से लेके तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका ज़रूर एक 24 घंटे में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।